नमस्कार, मैं जीशान जावेद आपके साथ। आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। वुहान से निकला कोरोना वायरस दुनिया भर में एक के बाद एक पहुंच रहा है। रीवा कोरोना मुक्त था, लेकिन डॉक्टर राजेश सिंगल के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद रीवा शहर भी कोरोना की चपेट में आ सकता है। हालांकि कोरोना पॉजिटिव डॉक्टर सिंगल दिल्ली में है, लेकिन उनके संपर्क में रीवा के कई लोग आ चुके हैं। पेश है यह रिपोर्ट। रीवा जिले में कोरोना की दस्तक दिल्ली से होते हुए रीवा पहुंच गई है। इस खबर का पूरा हाल बता रहे हैं जावेद अंसारी। बात अगर रीवा जिले की जाए तो रीवा जिले के लिए एक दुखदायी खबर तब आई जब यहां पर एक डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उसी दौरान शंकरगढ़ के पास मध्य प्रदेश में जवा, ये रीवा का एक कोना है, यूपी एमपी के बॉर्डर से लगा हुआ इलाका है। यहाँ पर दो लड़के बॉम्बे से आए थे अपने पिता की 13वीं करने। पुलिस ने उनको इलाहाबाद ले जाके, जिसे आज प्रयागराज कहा जाता है, उनका कोरोना पॉजिटिव टेस्ट कराया, उसके बाद उनको छोड़ दिया। इसको पुलिस की लापरवाही ही कहेंगे। उसके बाद जब उनकी रिपोर्ट आती है पॉजिटिव पाए जाते हैं। इस दौरान 13वीं हो चुकी होती, वो लोग कई लोगों से मिलते हैं, पुलिस उनको ले गई है, क्वारंटाइन करके उनको रखा गया है। उसी दौरान डॉक्टर सिंगल दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसको लेकर तमाम तरीके के यहाँ पर इस समय दहशत तो उतनी नहीं कही जा सकती, क्योंकि डॉक्टर सिंगल इस समय दिल्ली में मौजूद हैं, वहाँ पर उनकी पत्नी भी हैं। बाकी आम तौर पर अगर बात की जाए रीवा की, तो रीवा इस समय पूरी तरीके से सन्नाटे में है। यहाँ पर कोरोना का अभी तक एक भी पेशेंट नहीं। जो भी पेशेंट पाए गए, इनको तीन पेशेंट कहा जा सकता है, दो बॉम्बे से आए थे, उनको क्वारंटाइन करके इलाहाबाद यूपी ले जाया गया है। एक पेशेंट जो रीवा का था वो इस समय दिल्ली में क्वारंटाइन है, अपना वहाँ पर वो इलाज करा रहे हैं। शुक्रिया जावेद जी। डॉक्टर सिंगल यूं तो कैंसर से पीड़ित थे और इलाज के सिलसिले में दिल्ली गए हुए थे। डॉक्टर लौटे और कोरोना की दस्तक रीवा में हो गई। पूरा हाल बता रहे हैं विजय विश्वकर्मा। बिल्कुल जीशान, जिस तरह से आपने अभी टीवी स्क्रीन पर दिखाया, विंध्य क्षेत्र में रीवा में कोरोना की दस्तक हो गई है, और वो भी मेरे ठीक पीछे जो जगह है यहाँ पर डॉक्टर सिंघल के नर्सिंग होम से होते हुए शहर के कई जगह पर कई इलाकों में पहुंचने की संभावनाएं जाहिर हो रही हैं। इसकी चपेट में कई लोगों के आने के संदेह भी जाहिर हो चुके हैं। प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम करते हुए यहां के सभी वार्डवासियों को आइसोलेट करने का प्लान तैयार किया है, साथ ही यहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, और कोरोना से बचाने के लिए ये पूरे एरिया को सील कर दिया गया है। अगर हम इस जगह की बात करें तो यहाँ पर लगभग 2500 लोग हैं और 45 से अधिक मकान हैं जहाँ पर लोग मौजूद हैं। इनको किसी तरह की कोई असुविधा ना हो, इसके पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन की यहाँ पर अलग अलग टीमें बनाई गई हैं, जो 10 टीमें हैं यहाँ पर पूरी निगरानी कर रही हैं, और इसका जिम्मा सौंपा गया है एडीएम को। साथ ही यहाँ के जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हैं वो भी इस पर पूरी निगरानी रखेंगे। यहाँ पर किसी भी तरह के लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही जो ये मेरे पीछे जो आपको जगह दिख रही है, आपको दिखाना चाहेंगे कि ये तनीसा हॉस्पिटल है। ठीक इसी जगह पर डॉक्टर सिंघल का आवास भी था, यहाँ उनके परिजन भी रहते थे। अगर हम कुछ पुराने तथ्यों की बात करें तो यहाँ पर एक महामृत्युंजय पाठ भी हुआ था, जिस पर कहा जाता है कि कई सारे लोग मौजूद थे। अगर ये बात सही है तो यहाँ के कई नामी गिरामी डॉक्टर भी कोरोना की चपेट में आ सकते हैं। प्रशासन को इस ओर भी पुख्ता नज़र रखनी होगी, उन लोगों को चिन्हित करना होगा, उनकी निगरानी करनी होगी, और साथ ही उनके सैंपल भी कलेक्ट करने होंगे। शुक्रिया विजय जी। डॉक्टर सिंगल के संपर्क में आने वाले लोगों की लंबी सूची तैयार हुई है, जिसमें कई डॉक्टर और नामी गिनामी हैं। विंध्या हॉस्पिटल से पूरा हाल बता रहे हैं सुरेंद्र तिवारी। हाँ जीशान, इस समय हम थी विंध्या हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर पे खड़े हैं। ये हमारे पीछे आप देख सकते हैं, रिसर्च सेंटर का जो हॉस्पिटल है वो है।
यहाँ से जो है 18 लोगों के नामों की एक सूची वायरल हुई है जिनको क्वारंटाइन करने की बात कही जा रही है। ये नाम अलग अलग हैं जो स्टॉप हैं, कोई बाहर से दिखाने आने वाले लोग हैं उनका। लेकिन इससे पहले हम बता दें आपको कि तनिषा हॉस्पिटल जिसमें डॉक्टर राजेश सिंगल जो हैं उनको जो है दिल्ली में उनका उपचार चल रहा, कोरोना जो है पॉजिटिव आए हैं और वहाँ से जो है 29 लोगों के नाम जो है चिन्हित किए गए हैं। उन 29 लोगों को जो है पहली प्राथमिकता के तौर पर रखा गया है, जिनकी जांच उनके सैंपल्स लिए जा रहे हैं। वहाँ पे पूरा जो इलाका है कह सकते हैं इंदिरा नगर है वो पूरा सीज कर दिया गया है आसपास पूरा। और यहाँ भी वही हाल है, आप देख सकते हैं कि ज़्यादा भीड़ नहीं, जिस तरह आम दिनों में जिस तरह से मरीजों को यहाँ भीड़ भाड़ रहती थी वो भीड़ नहीं है, लोगों की संख्या कम है। जब से ये सूची 18 लोगों की आई है, इस सूची आने के बाद दो तरह की बातें प्रशासन के सामने से आ रही हैं। पहला ये कि पुलिस अधीक्षक का कहना है कि हमने एक ही सूची जारी की है जिसमें 29 लोगों के नाम हैं। दूसरी सूची जो 18 लोगों की और है जिसमें बिंदिया हॉस्पिटल के वो नाम हैं, उसके अभी फिलहाल पुलिस प्रशासन ने जो है सूची को सरे से खारिज कर दिया है। शुक्रिया सुरेंद्र। शहर के नामी चिकित्सक या तो सिंगल के इलाज के दौरान उनसे मिलने गए या तो मित्रवत। सागर नर्सिंग होम के संचालक डॉक्टर सागर का भी नाम इन्हीं में से जुड़ा बताया जा रहा है, जिसके बारे में बता रहे हमको हमारे संवाददाता शमीम सौदागर। जी साहब, मैं बता दूं, मैं मौजूद हूं अभी सागर नर्सिंग होम के पास। कल मैं जो मैंने देखा सागर, ये आपके सिंगल नर्सिंग होम के पास इसका माहौल, जब नाम आया कि आप कोरोना पॉजिटिव हो गया है, यहाँ के जो माहौल था, यहाँ के जो लोग थे डरे सहमे हुए थे, प्रशासन स्वास्थ्य विभाग सब लगे हुए हैं। और ये माहौल से मतलब जो देखा गया कि पूरा इलाका एक सहमा और डरा हुआ है। हम सागर नर्सिंग होम के पास हैं, आप पीछे हमारे देख रहे हैं, पूरा इलाका क्वारंटाइन कर दिया गया है, पूरा गली सुनसान है। और इनका भी नाम लिस्ट में जब आ गया है तो कुछ लोग इसकी वजह से यहाँ पे नर्सिंग होम बंद है और सब काम हम बंद हो गया। डॉक्टर सिंगल से जुड़े कई डॉक्टरों के नाम आ रहे हैं, इसमें से कई मेडिकल कॉलेज से ताल्लुक रखते हैं, बता रहे हैं सिद्दीक खान। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं रीवा के मेडिकल कॉलेज में मौजूद हूं। संडे होने के कारण यहां सन्नाटा हुआ है। कल से जैसे ही डॉक्टर राजेश सिंघल की कोरोना पॉजिटिव होने की रिपोर्ट आई तो पूरा शहर सन्नाटे में है, डॉक्टरों के में भी भय व्याप्त है। शुक्रिया सिद्दीक। इस सब के बीच एक बड़े सोनोग्राफी सेंटर का नाम भी सामने आया है। कहा जा रहा है कि डॉक्टर सोनोग्राफी कराने इसी सोनोग्राफी सेंटर में गए हुए थे। पूरा किस्सा बता रहे हैं विजय विश्वकर्मा। डॉक्टर सिंघल के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद से सबसे ज्यादा अगर लोगों की नजरें टिकी हुई है तो मेरे ठीक पीछे गोस्वामी नर्सिंग होम है यहाँ पर, क्योंकि इस नर्सिंग होम में हर रोज सैकड़ों सोनोग्राफियां होती हैं। इनमें गंभीर बीमारियों से लेकर गर्भवती महिलाओं तक की सोनोग्राफियां की जाती हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि अगर इस सोनोग्राफी सेंटर पे डॉक्टर सिंघल की सोनोग्राफी हुई है, ऐसे में यहां से कोरोना पॉजिटिव और भी शहर में फैलने के आशंका तेजी के साथ बढ़ जाती है, क्योंकि अगर इस नर्सिंग होम में गोस्वामी एक्सरे में डॉक्टर सिंघल की सोनोग्राफी हुई, उस दौरान जो यहाँ डॉक्टर मौजूद थे वो शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं, किसी न किसी नर्सिंग होम से जुड़े हुए हैं, साथ ही मेडिकल कॉलेज से लेकर संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल तक उनकी दखल है। ऐसे में यह आशंका जाहिर हो रही है कि अगर गोस्वामी नर्सिंग होम में डॉक्टर ने सोनोग्राफी की है तो यह भयावह हो सकती है, शहर में कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की संख्या भी बढ़ सकती है। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर इन सभी डॉक्टरों को चिन्हित किया है और मौके पर सभी नर्सिंग होम साथ ही सिंघल नर्सिंग होम के आसपास के एरिए को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। हालांकि अभी गोस्वामी नर्सिंग होम को सील नहीं किया गया है, लेकिन डॉक्टर गुंजन गोस्वामी और डॉक्टर अभिषेक गोस्वामी को लिस्ट में रखा गया है, उनके सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं और रिपोर्ट आने के बाद ही यह तय हो पाएगा कि ये कोरोना पॉजिटिव हैं या फिर नहीं। शुक्रिया विजय जी,
बहरहाल प्रशासन ने डॉक्टर सिंगल के संपर्क में आए हुए लोगों की सूची तैयार की है और बारी बारी उनका सैंपल लिया जा रहा है, बताएंगे जावेद अंसारी। जीशान, मैं इस समय संजय गांधी अस्पताल में मौजूद हूँ। मैं आपको बता दूं, कल डॉक्टर सिंगल जब कोविड प्लस पाए गए, पॉजिटिव पाए गए थे, हालांकि वो दिल्ली में है, फिर भी जब वो रीवा आए थे 12 तारीख को, उस दौरान मेडिकल कॉलेज के कई डॉक्टरों ने, सूत्र जो कह रहे हैं, कई डॉक्टर उनसे मिलने भी गए थे। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, बिल्कुल सन्नाटा फैला हुआ है। हालांकि यहाँ पर सन्नाटा होने की एक वजह और भी है, ओपीडी यहाँ की बंद कर दी गई है, प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है, ओपीडी बंद होने की वजह से मरीज नहीं आ रहे हैं। इसको पूरी तरीके से कोविड अस्पताल के रूप में इसको रखा गया है। इसी बिल्डिंग के एक परिसर में, जिसका पिछला हिस्सा आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहीं पर कोविड मरीजों की जाँच हो रही है। जो भी पेशेंट संजय यहाँ पर लाए जा रहे हैं, जो भी अस्पताल में डॉक्टर सिंगल के घर के आसपास जो लोग भी रहते थे, उन सब का परीक्षण किया जा रहा, उनको यहाँ पर एक एक करके उनके सैंपल लाए जा रहे हैं। जांच करने के बाद ही तय हो पाएगा कि कितने लोग पॉजिटिव पाए गए, कितने लोग डॉक्टर सिंगल से मिले थे, कितने लोग नहीं मिले थे। जी, विंध कोरोना से दूर था, लेकिन डॉक्टर सिंगल के पॉजिटिव होने के बाद एक बार फिर रीवा, सतना और सीधी में कोरोना को लेकर डर पैदा हो गया है। अपना ख्याल रखिए, अपने मेजबान जीशान जावेद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।